मैंने बिहार की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से जाना। मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को बिहारी कह सकती हूँ। पटोहिया विदेशिया से लेकर कटनी और रोपनी गीतों तक तो की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्यों की यात्रा की पूरी विश्व को अपनी पहचान। एक प्रशंसा की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजधानी पटना के बापू सभागार में किया बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री और अफसर मौजूद रहे। इस कृषि रोड मैप में 12 विभागों को रखा गया है जिसकी अवधि 2028 तक रहेगी। उद्घाटन समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बटोहिया और विदेशिया से लेकर कटनी और रोपनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्य की यात्रा ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कृषि रोड मैप का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। मुझे और अधिक खुशी होगी जब बिहार विकास के हर मानक पर रोड मैप बनाकर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता दिखाई दे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, प्रति व्यक्ति आय हो या सबसे बढ़कर हैप्पीनेस इंडेक्स हो। आइए अब आपको सुनाते हैं राष्ट्रपति का ये बयान। आज बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर आप सबसे भी उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रशंसा हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भरी भर के परिचय हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड के राज्यपाल पद के दायित्व का करीब 6 वर्षों तक निर्वहन करते हुए मैंने बिहार की संस्कृति और जीवन शैली को करीब से जाना और महसूस भी किया। मेरा गृह राज्य ओडिशा ही ऐतिहासिक रूप से बिहार से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं भी अपने आप को बिहारी कह सकती हूँ। कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। पटोहिया विदेशिया से लेकर कटनी और रोपनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्यों की यात्रा ने पूरी विश्व को अपनी पहचान बनाई। मैंने सुरीनाम की अपनी यात्रा के दौरान वहां पर पुरातन बिहार के झलक देखे। विशाल भौगोलिक दूरी और अलग अलग टाइम जोन में होते हुए भी बिहार में बिहार से गए लोग ने जहाँ तक वहाँ और रहते हैं अपनी संस्कृति और परंपरा को संजय रखा है, वही दूसरे और स्थानीयता में भी रोज बस गए हैं। देवियों और सजो बिहार की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम सब जानते हैं मानव सभ्यता के विकास और कृषि के बीच घनिष्ठ संबंध रहा है। कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में न केवल राज्य का लगभग आधा कार्यबल लगा हुआ है बल्कि राज्य की जीडीपी में भी इसका अहम योगदान है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। एक प्रशंसा की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान गेहूँ और मक्का की उत्पादकता लगभग दोगुनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम शहद मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। फॉर्ड कृषि रोड मैप का शुभारंभ इस प्रयास को और आगे बढ़ाने। बता दें कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बिहार आई हैं। बिहार यात्रा के दौरान राष्ट्रपति 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय और पटना एम्स समेत कुल 3 दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।